लोकसभा में विजिटर्स गैलरी से कूदने वाले सागर और मनोरंजन टी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संसद की सुरक्षा में हुई इस बड़ी चूक ने सभी को हैरान करके रख दिया। इन दोनों ही आरोपियों को मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की तरफ से पास मिला था। वैसे आपको इस बात की जानकारी तो जरूर होगी कि आप संसद भवन में तभी विजिट कर सकते हैं जब आपके पास किसी सांसद द्वारा दिए गए पासेस हों, और अगर आप वहां पर जाके कोई भी उल जुलूल हरकत करते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी उस सांसद की होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कौन है बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा, लेकिन उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। सो नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपियों से जो पास बरामद हुआ है उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का नाम लिखा हुआ है। यही वजह है कि अब बीजेपी सांसद हर किसी के निशाने पर हैं। हालांकि अभी तक प्रताप सिन्हा की तरफ से इस घटना पर कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये बात ज़रूर बताई कि घुसपैठ करने वाले में से एक आरोपी का पिता उनके संसदीय क्षेत्र का है और उनसे उन्होंने विजिटर्स पास मांगे थे। कई सारी रिपोर्ट्स की माने तो प्रताप सिन्हा ने लोकसभा स्पीकर को ये भी बताया था कि उनके पास घुसपैठियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अब प्रताप सिन्हा है कौन वो भी आपको बता देती हूँ। प्रताप सिन्हा मैसूरू कोडगू सीट से लोकसभा सांसद हैं। वे मैसूर के एक लोकप्रिय बीजेपी नेता हैं और उन्होंने 2014 और 2019 दोनों ही बार पार्टी के टिकट पर चुनावी जीत हासिल की थी। प्रताप सिन्हा पहले कन्नड़ा प्रभा में पत्रकार के तौर पर काम करते थे, फिर उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। वे कर्नाटक बीजेपी के युवा विंग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने साल 2014 में पहली बार चुनाव लड़ा। 2015 में प्रताप सिन्हा को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रताप सिन्हा की पहचान हिंदुत्व के कट्टर समर्थक के तौर पर होती है। वे कर्नाटक में टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि उनका कहना था कि टीपू सुल्तान केवल इस्लामवादियों के लिए आदर्श हो सकते हैं। वैसे इस साल की शुरुआत में प्रताप सिन्हा ने पशु प्रेमियों पर भी भड़ास निकालते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुत्तों से प्यार करने वाले लोगों के बच्चों को जब वे काटेंगे तब उन्हें आवारा कुत्तों का खतरा समझ आएगा। बीजेपी सांसद अपने फायर ब्रांड बयानों के चलते हमेशा विवादों में रहते हैं। उन्होंने एक बार विवादास्पद बयान देते हुए ये भी कहा था कि मस्जिद जैसा दिखने वाले हर बस स्टैंड को ध्वस्त कर दिया जाए। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि बस स्टैंड को गुंबद जैसे आकार वाला बनाया गया था। बहरहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। नमस्कार।